हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग इन सारे लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें इन सारे फॉर्मूले को पता होना जरूरी है और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग ये जानते होंगे। इसके बाद ही ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले साइन और एक्स वाले प्रॉब्लम को लेते हैं। ग्राफिकली यदि देखें तो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो साइन एक्स इज लेस देन एक्स है। यह है कब? जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है। फॉर एक्स लेस देन जीरो ग्राफ में आप देख सकते हैं साइन वाला ऊपर है, यानी साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स है। यहाँ पर एक्स निगेटिव है, निगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स इज लेस देन माइनस एक्स। अब यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दें, एज एक्स अप्रोचेज जीरो फ्रॉम लेफ्ट वाई अप्रोचेज जीरो फ्रॉम राइट हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन वाई इज लेस देन वाई। यहाँ पर हमने एक्स को उस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, ताकि लिमिट हम इजिली कैलकुलेट कर पाए। यही कॉन्सेप्ट साइन एक्स टेन एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स सभी में सेम ही रहेगा। तो मैं केवल एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम राइट ही लेके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, बार बार इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स है, इससे हम इनइक्वालिटी फॉर्म कर सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन वन, एंड इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे ये हो जाएगा x by sin x is greater than 1। यदि आप देखें तो sin x by x less than 1 है, इसलिए ऑलरेडी ये फ्रैक्शन ही है। तो फर्स्ट वाले की लिमिट हम यदि कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं sin x by x और इसका फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू sin x by x ही होगा। और यदि आप इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो ये फॉर्मूला बता है ये वन होता है। नेक्स्ट है एक्स बाई साइन एक्स, इसका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बाई साइन एक्स ये ग्रेटर देन वन है। तो इसकी लिमिट हम कैलकुलेट करते समय लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स बाई साइन एक्स माइनस वन, क्योंकि वन हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा एंड एक्स अप्रोचेस जीरो, इसकी लिमिट वन होगी, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब है साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आप देख रहे हैं लेस देन वन है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू स्ट्रेट वे जीरो हो जाएगा। और एक्स बाई साइन एक्स ये ग्रेटर देन वन है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा। अब है टेन और एक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, दिस इंप्लाइज टेन एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन। और यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो एक्स बाई टेन एक्स इज लेस देन वन होगा। अब यदि टेन एक्स बाई एक्स देखें तो ग्रेटर देन वन है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाई एक्स माइनस वन। और यदि आप इसकी लिमिट लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ टेन एक्स बाई एक्स माइनस वन व्हेन एक्स अप्रोचेस जीरो, इसकी लिमिट वन हो जाएगी और वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स बाई टेन एक्स वाला पार्ट। तो इसमें एक्स बाई टेन एक्स आपने देखा ये लेस देन वन है, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है। तो जब इसकी लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स बाई टेन एक्स एंड एक्स अप्रोचेज जीरो इक्वल टू वन, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन एक्स बाई एक्स। अभी आपने देखा टेन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन वन है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि आप लेंगे तो ये वन के इक्वल आएगा, इसलिए इसकी लिमिट वन हो जाएगी। और यहाँ पे एक्स बाई टेन एक्स लेस देन वन होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन इनवर्स एक्स और एक्स को लेके। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का, वाई इक्वल टू एक्स का और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का। ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स है, और यदि आप इसका रेशियो लेते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये ग्रेटर देन वन होगा। यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा लेस देन वन। इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये है ग्रेटर देन वन, इसलिए सिंपली इसको वन ले लेंगे। एक्स बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन वन है, ये जीरो हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये ग्रेटर देन वन है, तो इसमें थोड़ा सा हमें करना होगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट हमें करना है, ये वन से ग्रेटर है तो वन रिमूव कर दीजिए इसमें। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, अब इसकी आप यदि लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स अप्रोच है जीरो, तो इसकी लिमिट वन हो जाएगी और माइनस वन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है एक्स बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही है तो ये सिंपली हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच है जीरो एक्स बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शन ही है, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स और एक्स को लेके। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स एक्स से छोटा है, तो इसकी इनइक्वालिटी लिख लेते हैं पहले। टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स इज लेस देन वन, और इसका रेसिप्रोकल फॉर्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये है लेस देन वन, इसलिए इसकी लिमिट जीरो हो जाएगी। और एक्स बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन है, इसकी लिमिट वन हो जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट में जो ग्रेटर देन वन है उसको देख लेते हैं, ये वाला है लेस देन वन वाला, तो सिंपली इसको लिख देंगे हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स फ्रैक्शन ही है, लिमिट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस जीरो, और इसकी लिमिट वन होती है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये है ग्रेटर देन वन, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स अप्रोचेस जीरो, इसकी लिमिट वन हो जाएगी और वन माइनस वन ये हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से हमने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।